नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24 सी समन्वय 16वीं वाहिनी SSB चरका पत्थर के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी ने अपने परंपरागत तरीके से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विनय कुमार के निर्देश में यह कार्यक्रम का आयोजन रहा। बिहार राज्य में प्रथम महिला एम्बुलेंस चालक बनी नक्सल प्रभावित मरियम पहाड़ी गाँव की जूली जैसलीन हेम्ब्रम को अतिथियों द्वारा माला पहनाकर एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर MS परवाज, कंपनी कमांडर PK मंडल, चरका पत्थर थाना अध्यक्ष राजा राम शर्मा, SI अकौन वर्मन, मिशन के फादर मुक्ति प्रकाश मिंज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। जमुई सोनो संवाददाता चंद्रदेव वर्णवाल की रिपोर्ट। पैसे की कमी नहीं होगी अगर मैं 3 से 4 साल तक जीवित रह गया, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट हूं, किडनी के पेशेंट हूं, अगर 3 साल तक जीवित रह गए तो मैं चाहूंगा कि कई बेटियां ऐसे बिहार राज्य में जाएं और अपनी नाम रोशन करें, क्योंकि गरीबी की थपेड़ों ने जबरदस्त इस थपेड़ा मारा इस बच्ची को। और आज मुझे लगता है कि जब मैं इसे देखता हूं तो लगती है कि हमारी ही बच्ची है। आज उनकी पिता को और माँ को, आत्मा को काफी शांति मिलता होगा। काश अगर वो रहती और ये सम्मान देखती तो काफी अच्छा लगता। अभी आज से 3 दिन पहले SP साहब, केंद्रीय मंत्री, सभी विधायक DRT में बुलाकर इनको एक बहुत बड़ी सम्मान दिया है, और वो सम्मान मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत पहली बच्ची है कि जो बिहार राज्य का ये ड्राइवर बनेगी, और 26 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर ये अपना नाम दर्ज कराएगी और वहां से पुरस्कारित होगी। ये सुनकर मैं सैल्यूट करूंगा अपने कमांडेंट सर का, डिप्टी कमांडेंट सर का, तमाम फौजी भाई का, कि वो नहीं रह पाए और उन्होंने यहां से लेकर अपने विभाग तक इन्होंने चिट्ठी लिखा, कंफर्मेशन किया और ये कंफर्मेशन किया कि हम लोग सम्मानित करना चाहिए कि ये मेरे गांव की बेटी है, मेरी क्षेत्र की बेटी है और मेरी आंगन की बेटी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मंडल साहब को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने थाना प्रभारी को कि आपने इस बच्ची को, इस अनाथ बच्ची को, जिसके दुनिया में बाप नहीं माँ नहीं है, उसके हाथ पर आपने, उसके सर पर हाथ रखा है, ये बहुत बधाई के पात्र हैं। आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं। साथ ही साथ